अगर बात की जाए SUVs की ना, तो बहुत ज्यादा जो ट्रेंड है ना वो बढ़ चुका है, हर कोई SUV प्रेफर कर रहा है बाय करना, रादर कि कोई एक हैचबैक परचेज करे चाहे सेडान परचेज करे। बट SUV का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर किसी को अब SUV ही चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा कि SUV की कैटेगरी भी अब बढ़ चुकी है, इसलिए Hyundai भी अपनी ऑल न्यू Hyundai एक्सेल को जल्द ही लॉन्च करने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर AI3 कोड नेम से जानी जाती है। और इसकी जो टेस्टिंग है ना वो भी अभी साउथ कोरिया के अंदर चल रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो माइक्रो SUV होगी ना, ये ग्रैंड i10 और वेन्यू के इन बिटवीन रखी जाएगी। सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू Hyundai एक्स्टर के बारे में, और आप लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ हमें देखने के लिए मिल सकता है Hyundai एक्स्टर के साथ में। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपकमिंग अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि Hyundai एक्स्टर जो है ग्रैंड i10 और वेन्यू के इन बिटवीन Hyundai के लाइनअप के अंदर रखी जाएगी। और साथ ही अगर मैं बात करूँ इसकी मेजरमेंट की, तो 3.8 मीटर्स की रहने वाली है इन लेंथ, और इस वजह से बन जाएगी Hyundai के लाइनअप के अंदर सबसे छोटी SUV जो कि इंडिया के अंदर सेल की जाएगी। साथ ही एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो Hyundai Casper है जो कि साउथ कोरियन मार्केट के अंदर सेल की जाती है, उससे ये बिगर रहने वाली है। बात करें अगर साउथ कोरियन Hyundai Casper की, तो वो रहती है इन लेंथ 3595 mm और विड्थ है 1595 mm, और जो इसकी लेंथ है ना वो है 1575 mm और व्हील बेस है 2400 mm का। सो जो Hyundai Casper है वो 3595 mm है, बट जो रहने वाली है एक्स्टर वो रहेगी 3.8 मीटर्स की। सो बिगर भी रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा माइक्रो रहने वाली है। और वहीं बात करें अगर इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज की ना, तो आपको काफ़ी सारे जो यूजुअल चेंजेस है ना, और कुछ एलिमेंट्स आपको जो वेन्यू है उसके यहाँ पर बोरो होते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे, बाकी और अदर एलिमेंट्स हमें यहाँ पर चेंज मिलने वाले हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी इमेज सामने नहीं आई है, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। वहीं अगर बात करें इसकी और चेंजेस की ना, और इसके अदर एलिमेंट्स की, तो हमें Hyundai की पैरामेट्रिक फ्रंट जो ग्रिल है ना, वो सेम चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी जो कि हमने वेन्यू में देखी है। स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिल जाएंगे, LED DRLs मिल जाएंगी, और जो DRLs हैं वो H पैटर्न के साथ में आने वाली हैं, और जैसे कि हमने Hyundai Santafe के अंदर देखी है, कुछ वैसा ही जो पैटर्न है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही बोनेट की अगर बात की जाए, तो बोनेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइंस के साथ आने वाला है, और ये चीज़ हमने देखी भी है कि Hyundai ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर लाइंस के ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहले हमने Tucson देखी थी, उसके बाद वेन्यू देखी है, तो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर लाइंस अब यहाँ पर आ चुकी है इनके डिज़ाइन लैंग्वेज के अंदर, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बोरो की जाएगी। वहीं अलॉय व्हील्स जो है वो 15 इंचेस के डुअल टोन डायमंड कट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो लोअर वेरिएंट्स होंगे वहाँ पर हमें स्टील जो व्हील्स है ना वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही जो इंटीरियर होगा वहाँ पर अच्छा खासा जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि सिंगल पेन सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जर, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड सो ऑन, और जो 6 एयरबैग्स है ना वो भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए इसके इंजन ऑप्शन की ना, तो इंजन ऑप्शन हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा 1.2 लीटर का VTVT नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 82 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और 5 स्पीड मैनुअल और AMT का जो ऑप्शन है ना वो हमें यहाँ पर देखने के लिए जोर मिल जाएगा। साथ ही जो टॉप स्पेक वेरिएंट होंगे ना, वहाँ पर 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जो है 99 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता है और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अभी एक और भी न्यूज़ आ रही है कि जो एक्स्टर होगी ना लेटर ऑन स्टेज के ऊपर, वो हमें CNG ऑप्शन के साथ भी देखने के लिए मिल जाएंगी, बट कोई भी डीजल ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहने वाला है। सो अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं 6 लाख रुपए से 11 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस, और कहीं ना कहीं ये कम्पीट करेगी टाटा पंच से, इग्निस से और सिट्रॉन C3 से। वहीं बात आती है इसकी लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट फेस्टिव सीजन के आसपास इसको लॉन्च किया जा सकता है इंडिया के अंदर। तो गाइस ये थे सारे डिटेल अबाउट ऑल न्यू Hyundai एक्स्टर जो कि इंडिया के अंदर जल्दी लॉन्च होने वाली है। सो गाइस ये था मेरी तरफ से एक अपडेट, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।